बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। तो आज हम बनाएंगे मटन मलाई चाप। ये देखिए, ये हमारी चापे है और मैंने इसे थोड़ी बड़ी साइज़ में कटवा लिया था। आप अपने हिसाब से कटवा कर ले लें। और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करके अब इसे हमने मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है हमने। और अब मैं साथ ही इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच भर के दही। दही डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करके आप चाहे तो इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने इसे आधा घंटा ही मैरिनेट करा था। आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दिया है मैंने और गैस पे कुकर रख दिया है। अब जो मैरिनेट किया हुआ चाप था वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे इसमें। अब हमने बहुत ही स्लो गैस पे लीड बंद करके इसे चापों को गला लेना है। ये देखिए, चाप हमारा गल चुका है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाप अच्छे से गल चुका है, हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, इसी से पता चल जाता है कि चाप गल चुका है। एक दूसरा पैन ले लेंगे, उसमें भर के 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और बटर के साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारा बटर जले ना। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप एज अ स्टार्टर भी इसे दावतों में बना सकते हैं। जो चाप हमारे गल चुके हैं वो इसमें डाल देंगे हम पैन में। इसे अच्छी तरह से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। अच्छे से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे इसे। इसे पलट लेंगे हम। ये देखिए, हमारे चाप अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इस पर बारबेक्यू जैसा निशान आ चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे चाप फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। ये तकरीबन 50 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसमें दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अलट पलट के अच्छे से मिक्स करना है हमने। आप इसे एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी। हम इसमें और 50 ग्राम क्रीम ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मेरा चाप रेडी है बनके। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही यम बना हुआ है ये। थोड़ा क्रीम ऐड करेंगे ऊपर से और हरा धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे हम। ये देखिए, हमारी चापे रेडी है खाने के लिए। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।